हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे थे अपने पेपर टू इंडियन ज्योग्राफी की, एंड इन दिस इंडियन ज्योग्राफी सेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपने कोस्टल प्लेन के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंड रिलीफ के बारे में बात किया था, फिजियोग्राफी के बारे में बात किया था, जिसमें पेनिनसुलर इंडिया के और ग्रेट प्लेन के और हिमालयन टोपोग्राफी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, आइलैंड के बारे में। आइलैंड के बारे में हम लोग सारी डिटेल्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसको आप लोग यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं या फिर हमसे डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल है जो कि प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल है, जिसको कि आप देख सकते हैं, अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो अगर बात किया जाए यहाँ पर हमारे आइलैंड के बारे में, तो इंडिया हैज टोटल 615 आइलैंड्स, ऑफ विच 572 लाइव इन द बे ऑफ बंगाल एंड द रिमेनिंग 43 आर इन मरीन सी, एंड आउट ऑफ 572 आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार ओनली 36 आर इनहेबिटेड। अगर आप एक बार मैप में नजर डालेंगे, एक बार फटाफट एटलस को ओपन करते हैं और जरा देखते हैं एटलस में क्या कुछ है, कहां पर हमारे आइलैंड्स हैं। तो देखिए, यह हमारा मैप है। मैप में अगर आप साउथ में आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस इलाके में लाइन से अंडमान एंड निकोबार के बारे में है। काफी इंपॉर्टेंट है कौन सी स्ट्रेट किसको तोड़ रही है, किसके साथ में कौन सा डिवीजन है, 9th पैरेलल, 8th पैरेलल, 10th पैरेलल, ये सब क्या चीजें हैं, ये सब आपके जीएस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस में सारे सेशन में हम लोग ये देखते हैं। प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज वहां पर चल रही है, अगर आपको जीएस में प्रॉब्लम है देन यू कैन वॉच दैट सीरीज, जहां पर इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है और फिलहाल ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो रही है। सिमिलरली देखिए, यहां पर अंडमान निकोबार के अलावा यहां पर आपको दिखेगा लक्षद्वीप के बारे में, और यहां पर भी नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि एक तरीके से कोरल आइलैंड होते हैं। हम लोग बात करेंगे ये क्या है। इसके अलावा देखिए, अगर आप यहां पर भी आएंगे तो आपको एक न्यू मूर आइलैंड देखने को मिलेगा जो कि एक सुंदरबन के पास में एक आइलैंड पड़ जा रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब हम लोग वापस से अपने डिस्कशन पॉइंट पे आते हैं और वहां पर देखते हैं क्या कुछ है हमारे पास। तो देखिए, ये थी हमारी आइलैंड के बारे में जहां पर हम लोगों ने देखा। इस आइलैंड को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारे पूरे डिस्कशन को। एक किया गया है जो हमारे बे ऑफ बंगाल में है, जैसे अंडमान निकोबार वगैरह हो गई। दूसरी डिवाइड किया गया है जो हमारी अरेबियन सी के फॉर्मेट में है, जहां पर लक्षद्वीप वगैरह हो जाता है। तीसरी जो डिवाइड की गई है वो ऑफशोर आइलैंड के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कुछ और भी आइलैंड्स होती हैं उनको वहां पर कैटेगराइज किया गया है, हम लोग देखेंगे उसके बारे में। तो द बे ऑफ बंगाल आइलैंड इंक्लूड अंडमान एंड निकोबार विच आर लार्जली टेक्टोनिक एंड वोल्केनिक इन ओरिजिन, व्हाइल द आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी आर मेनली कोरल फॉर्मेशन। मोरओवर देयर आर नंबर ऑफ ऑफशोर आइलैंड्स अलोंग द माउथ ऑफ गंगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट एंड द गल्फ ऑफ खंबात एंड मन्नार। क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारे आइलैंड से बने कैसे हैं, इनका ओरिजिन क्या है। तो देखिए, इनका ओरिजिन छिपा हुआ है हमारे जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर में। जियोमॉर्फोलॉजी जब हम लोग पेपर वन करेंगे तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे ओरिजिन के बारे में। फिलहाल आपको एक आइडिया दे देता हूं कि आखिर में किस तरीके से आइलैंड बने हैं। तो आइलैंड बनने के देखिए कई सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके, नंबर ऑफ वेज आर देयर, नंबर ऑफ वेज। इनमें से एक एक करके जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें क्या बोल रही होती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलती है कि अगर दो प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, ये एक मान लीजिए ग्रेनाइट का प्लेट है और दूसरी मान लेते हैं कि बसाल्ट की प्लेट है, बसाल्ट, ठीक है, ये ओशियनिक प्लेट हो गई और ये आपकी कैसी प्लेट हो गई, दिस इज ग्रैनिटिक प्लेट, या फिर कह सकते हैं लैंड की प्लेट हो गई। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ में टक्कर मारेंगे, जब आपस में कोलिजन करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, चूंकि ये भारी प्लेट है इसलिए क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी और यहां पर ये इस तरीके से मोल्ड हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर होने क्या वाला है कि आपको इस तरीके से फोल्ड माउंटेन बनते हुए दिख रहे होंगे और साथ में आपको यहां पर एक यहां पर ट्रेंच मिलेगी और ट्रेंच के बाद में यहां पर ओशियनिक प्लेट मिल जाएगी। अब देखिए, ओशियनिक प्लेट ऐसा तो है नहीं कि लोहे की बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है, टूटेगी नहीं या फिर मोल्ड नहीं होगी, ये भी मोल्ड होगी और यहां पर ये भी मोल्ड वगैरह देखने को मिलेगा। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है हमारा सी, या फिर कह सकते हैं मरीन लैंडफॉर्म, मरीन लैंडफॉर्म, जिसको कि हमारे हैरी हेस ने सबसे पहले बताया था कि ये लैंडफॉर्म जो समुद्र के अंदर है वो भी वहां पर भी लैंडफॉर्म है, दे आर नॉट प्लेन। जैसा कि हमारे वेगनर ने बोल दिया था कि भाई हमारी जो ओशियनिक लैंडफॉर्म है वो कुछ भी नहीं होती है, वो प्लेन होती है। ये सारा डिस्कशन हम लोग पेपर वन में करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। फिलहाल देखिए, आपको इस तरीके से यहां पर भी माउंटेन बनते हुए दिख रहे होंगे। जब ये माउंटेन समुद्र के मतलब पानी के बाहर आ जाते हैं तो अब क्या दिखेगा आपको, चारों ओर पानी है, यहां पर बीच में एक लैंड है। तो बेसिकली क्या हुआ, दिस लैंड इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, या फिर कह सकते हैं कि ये लैंड जो होता है वो बसाल्टिक मटेरियल का बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आइलैंड बन गया, सीधी सी बात है।
तो एक तरीका होता है जो इस तरीके से मतलब ये पूरा का पूरा माउंटेन के फॉर्मेट में इकट्ठा हो जाते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं, इसको बोला जाता है आइलैंड। ये आइलैंड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे गायोट्स हो गया या फिर हमारे ये इस तरीके के रिजेस वगैरह हो गए हैं। तो एक तरीका हो जाता है जहां पर हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से देखा आइलैंड के बनते हुए। दूसरा तरीका होता है जो हमारी हॉटस्पॉट बन जाती है, हॉटस्पॉट या फिर बोल सकते हैं जो मिड ओशियनिक रेंज के फॉर्मेट में निकल के आ जा रही होती है। यहां पर होता क्या है, जब दो प्लेट आपस में डाइवर्ज कर रहे होते हैं तो चूंकि प्लेट डाइवर्जन के कारण से बीच में क्रैक आ जाती है और नीचे तो हमारा पूरा का पूरा मैग्मा, नीचे पूरा का पूरा मैग्मा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो इसको जब भी एक पोर मिलेगी फटाफट ये अपनी गैसेस रिलीज करने के लिए यहां ये जो ब्लॉकिंग हो रखी थी इसको तोड़ करके बाहर निकलना शुरू कर देगा। जैसे ही बाहर निकलना शुरू कर देगा तो अब चूंकि ये पानी के अंदर है तो अब क्या होगा, धीरे 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 करके डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी एंड आफ्टर अचीविंग सर्टेन डिपोजिशनल अमाउंट ये अब सरफेस को एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा या फिर कह लीजिए ओशियन के बाहर निकल आ जाएगा, पानी के बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से सरफेस पे इस तरीके से आइलैंड बना दे रहा होगा। ये होता है दूसरा तरीका जहां पर हॉटस्पॉट है। अगेन ये किस तरीके का हो गया, ये हो गया बसाल्टिक ओरिजिन का। तीसरा तरीका होता है जो कोरल का होता है, एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं। तीसरा तरीका होता है कोरल फॉर्मेशन के कारण से। कोरल फॉर्मेशन में क्या होगा कि देखिए यहां पर जो भी चाहे बसाल्टिक मॉडियम से बने या फिर किसी भी तरीके से सब्सिडेंस के कारण से बने, जब ये पानी का लेवल मान लेते हैं यहां पर है और यहां पर मान लेते हैं कुछ लेवल तक ये यहां पर कोई भी सेडिमेंट इकट्ठा हो गया, चाहे वो बसाल्ट के फॉर्मेट में आया हो या नदियों से तोड़ तोड़ करके ग्रेनाइट का मटेरियल यहां पर डिपॉजिट हो गया हो, किसी भी तरीके से अगर इसका सरफेस एक हाइट अचीव कर लिया है और थोड़े ही हाइट पे पानी बचा हुआ है तो अब क्या होगा, यहां से हमारी लैंड स्टार्ट हो जा रही होगी, हमारी ये लैंड स्टार्ट हो जाएगी तो अब क्या होगा, यहां पर धीरे धीरे करके जो मरीन एनिमल के स्केलेटन है जो उनकी हड्डियां हैं वो ऑब्वियसली इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठी होने 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 के साथ में जूजेंथले वगैरह आ जाएगा और बेसिकली एक कोरल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये कोरल जब ये सरफेस को एक्सपोज हो जाएंगे तो एक तरीके से ये भी क्या बन जाएगा, आइलैंड, और इस तरीके के आइलैंड को बोला जाएगा कोरल आइलैंड। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ तीन तरीके चार तरीके से हमारे पास आइलैंड फॉर्मेशन के ओरिजिन के तरीके होते हैं जिनको कि आप लोग डिस्कस कर लिए। ओके, तो आपको एक पूरी क्लैरिटी आ गई होगी आइलैंड के बनने का क्या तरीका होता है। इंडियन आइलैंड्स फॉर्म ए सिग्निफिकेंट पार्ट इन मेकिंग द कंट्री अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। देयर आर सेवरल आइलैंड इन इंडिया विच आर वेल नोन फॉर देयर टूरिस्ट इंपॉर्टेंस। द ब्यूटी ऑफ अरेबियन सी एंड द कोबाल्ट ह्यू ऑफ द बे ऑफ बंगाल प्रोवाइड अ मैजिकल टच टू द इंडियन आइलैंड। तो ये सब आपको अगेन बातें बातें हैं, लैंग्वेज है। द सर्जिंग इंडियन आइलैंड्स आर वेल इनकम्पास्ड बाई लश फॉरेस्ट एंड पोजेस द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ स्ट्राइकिंग फ्लोरा एंड फौना। These group of islands are there in India called the Andaman and Nicobar Islands, situated in the Bay of Bengal and the Lakshadweep and Minicoy Island located in the Arabian Sea. तो इस तरीके से बता रहे हैं कितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कितना ज्यादा यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना पाए जा रहे होते हैं। वन बाय वन करके अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अरेबियन सी आइलैंड के बारे में, जहां पर बेसिकली कोरल आइलैंड हमें मिल रहे होंगे। तो देयर आर बेसिकली 43 आइलैंड्स इन द अरेबियन सी, आउट ऑफ विच ओनली 11 आर इनहेबिटेड। केवल 11 पे लोग रह रहे होते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन लैंड जो कालीकट है वहां से 109 किलोमीटर दूरी पे पड़ जा रहा होता है, आपको फेरी लेकर के फिर आप लक्षद्वीप जा सकते हैं। कवरत्ती लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ दिस नेम इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द मालदीव बाई 8 degree चैनल। हिल्स एंड स्ट्रीम आर एब्सेंट ऑन दिस आइलैंड। मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड एंड हैज अ लाइट हाउस एंड अ वेदर ऑब्जर्वेटरी, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे मौसम संबंधी चीजों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जा रही होती है। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ लक्षद्वीप। इन लक्षद्वीप कोकोनट इज द ओनली मेजर क्रॉप, ऑल्दो पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट और ऑल्सो बीन ग्रोन। द सी अराउंड द आइलैंड इज रिच इन मरीन ओरिजिन। क्लियर हो गया क्या चीज है। बे ऑफ बंगाल आइलैंड के बारे में आप फटाफट बात करें तो देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय बे ऑफ 10 degree चैनल। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अरेबियन आइलैंड फ्रॉम द मेन लैंड इज अबाउट 2000 किलोमीटर एंड द एक्सट्रीम सदर्न पॉइंट इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड। यहां पर देखिए बहुत सारे ट्राइबल लोग भी रह रहे होते हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लोग होते हैं और इनको प्रॉपरली आइसोलेटेड एरिया प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। The Andaman and Nicobar Island have a warm tropical climate all year round with two monsoon. एक तो returning हो गई और एक जो शुरुआत में monsoonal region आ जा रहा होता है।
टेम्परेचर आर अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड बट द सी ब्रीज हैज अ कूलिंग इफेक्ट। अगेन यहाँ पर ट्रॉपिकल टाइप की या इक्वेटोरियल टाइप की क्लाइमेट आप बोल सकते हैं पाई जा रही होती है। द आइलैंड रिसीव हैवी रेन विद द मॉनसून सीजन लास्टिंग फ्रॉम मिड मे टू मिड सेप्टेम्बर एंड फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर। अगेन वो रिटर्निंग मानसून हो जा रही होती है। अंडमान आइलैंड्स आर थिकली फॉरेस्टेड एंड हैव अ रिच मरीन लाइफ अमंग द रीफ्स। द आइलैंड आर अ बर्ड वॉच पैराडाइज विद 242 स्पीसी रिकॉर्डेड। द एंटायर रीजन फॉल्स इन अ मेजर अर्थक्वेक जोन। द बायरन आइलैंड इन द अंडमान हैज एन एक्टिव वोल्केनो। नारकुंडम वगैरह यहां पर आ जा रही होती है, हालांकि और भी। तो इन द बे ऑफ बंगाल देर आर टू वोल्केनिक आइलैंड्स, एक नारकुंडम और दूसरे बैरन, अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया। दिस इज सिचुएटेड विद इन 80 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड। द अंडमान आइलैंड हैव बीन फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ टर्शियरी माउंटेन चेन ऑफ अराकान योमा। द मेन माउंटेन ऑफ दीज आइलैंड्स आर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि जो हिमालय का एक्सटेंडेड पोर्शन है वो इन द फॉर्मेट ऑफ आर्चिपेलागो यहां पर निकल करके बाहर निकल के समुद्र के निकल के बाहर आ गया है, जिसको ही हम लोग अंडमान निकोबार बोल रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली किस चीज का बना होगा, सीधी सी बात है सैंडस्टोन लाइमस्टोन इसी सब चीज का बना होगा। द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड कंप्राइज 18 आइलैंड्स ऑफ विच ओनली 11 आर इनहैबिटेड। द फिजियोग्राफी ऑफ निकोबार आइलैंड इज मेनली ऑफ कोरल ओरिजिन। राइस यहां का मेन क्रॉप है, कोकोनट एंड अरेका नट आर ऑल्सो मेन कैश क्रॉप ऑफ निकोबार। ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल, वैरायटी ऑफ बनाना, स्वीट पपाया, मैंगो, दे ग्रो ऑन अ स्मॉलर स्केल इन अंडमान निकोबार ग्रुप। द ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान निकोबार इज फास्ट ड्वेलिंग, मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट इनहेबिटेंट्स आर माइग्रेंट फ्रॉम वेयर, ये आ जाते हैं बांग्लादेश से, म्यांमार से, इंडिया से, तमिलनाडु से, फ्रॉम श्रीलंका। सम ऑफ द वेल नोन सर्वाइविंग ट्राइब ऑफ अंडमान निकोबार आर जैसे ऑनजेस हो गए, जरावा हो गए, सेंटिनल्स हो गए, ये पीबीटीजी ग्रुप में भी आ जाते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में भी आ जाते हैं। One of the largest and also the rarest crab in the world, giant robber crab, can also be found in the Vandoor Marine Biosphere Reserve in the South Andaman and Nicobar Island. It has powerful claw help it to climb the coconut tree and break the hard shell of its fruit. So basically, थोड़ी सी environment से related और current affairs से related भी discussion यहाँ पर लिख दिया गया है। अगर आपको कोई भी current affairs से related चीजें अगर याद रहती हैं, तो obviously आप उसको include करिए अपने answer में। It will fetch you more marks. Clear हो गया क्या चीज़ है? तो ये थी हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन रिलेटेड विथ बे ऑफ बंगाल के बारे में। आगे अगर बात करें तो देखिए हमारे पास ऑफशोर आइलैंड के बारे में भी आ जा रहा होता है, जो छोटी सी डिस्कशन है। देयर आर न्यूमरस आइलैंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड गल्फ ऑफ मन्नार। जैसे कौन कौन सी, वेस्टर्न साइड में अगर बात करें तो पीरम हो गया, भैसाला हो गया, दीव हो गया, वायदा हो गया, नोरा हो गया, पिरोतन हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ ऑफशोर आइलैंड आ जा रहे होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कुछ के नाम याद रखिएगा, अच्छा रहेगा, इट विल फेच यू मोर मार्क्स ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक अलग डिमेंशन भी दिखा रहे होंगे ऑफशोर आइलैंड के फॉर्मेट में। तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन रिलेटेड दिस आइलैंड के बारे में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन करिए उसको, रेज योर डाउट्स फ्रॉम देयर। हम लोग डिस्कस करेंगे आपके डाउट को, फिर उसके बाद से आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।